हेलो दोस्तों वेलकम टू लोक सेवा आज हम लोग इस वीडियो में मौलाना पादशाही साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि बांग्लादेश में लोकेटेड है इस यूनिवर्सिटी ने अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए अपनी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर दी है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कौन से कौन से प्रोग्राम के लिए एडमिशन ओपन की गई है क्या कैसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कौन से कौन से नेशनल्स आपको एलिजिबल है? है कौन सा नहीं है कितना हम लोगों को अमाउंट पे करना पड़ेगा इस एडमिशन प्रोसेस के लिए और एडमिशन होने के बाद कितना हम लोगों को फीस स्ट्रक्चर कैसा है क्या कैसा है उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं हम लोग तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूले और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूले और इस वीडियो के दौरान आपको कोई भी अगर दिक्कत हो अथवा कोई भी डाउट्स हो जो कि आपको क्लियर करनी हो तो उसके लिए हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक रख दिया है आप उसमें ज्वाइन हो आप अपना क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं या फिर आप कमेंट के माध्यम से भी आप अपना क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं हम लोग आपको रिप्लाई उस पर भी दे सकते हैं व्हाट्सएप टेलीग्राम में भी दे सकते हैं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं मौलाना बास साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ये लोके, इसका लोकेशन है संतोष तंगाइल बांग्लादेश में है इसका वेबसाइट है डब्ल्यू 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 डॉट एम बी एस डॉट ए सी डॉट बी डी इसका ई मेल एड्रेस है इंटरनेशनल डॉट एडमिशन एट द रेट एम बी एस डॉट ए सी डॉट बी डी अब इसका क्या कैसा प्रोसेस है सो so, इस यूनिवर्सिटी ने आपको अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के एडमिशन प्रोसेस ओपन की है और और जो कि है। for है। अगर आप है और आप बांग्लादेश हैं वीडियो वीडियो देख रहे तो ये वीडियो आपके लिए नहीं बांग्लादेशी इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन एंड वेलकम्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टू अप्लाई टू डिफरेंट अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ंडर द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स कौन से कौन से डिपार्टमेंट के लिए प्रोसेस स्टार्ट की है वो देख सकते हैं आप पहला है डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस एंड रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड पुलिस साइंस डिपार्टमेंट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड न्यूट्रिशनल साइंस डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ बायो केमिट्री एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी डिप्टमेंट ऑफ केमस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेटिस्टिकस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश यदि आपको दी गई लिस्ट ऑफ कोर्सेस में कोई कोर्स में यदि आप इंटरेस्टेड है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और इसमें एडमिशन रिक्वायरमेंट अब आपको फॉर्म फिलअप करने से पहले क्या कैसा रिक्वायरमेंट है मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या कैसा है तो स्टूडेंट हुई इन टू थाउजेंड में अगर आप पास आउट है हायर सेकेंडरी मीस क्लास ट्वेल्व और अगर टेंथ इक्वेलेंट आपका जो है सत्रह अठारह उन्नीस में है इस एडमिशन के लिए एलिजिबल है Must have a total GPA of 6.50 with a minimum GPA of 3.00 in SSC or equivalent and HSC or equivalent. Those who have passed O and A levels must have at least B grade in any of three subjects out of five subjects. Applicants must provide evidence of citizenship other than Bangladesh with a valid passport. Passport compulsory application process application process. है? Download the application form from the website https://mbstu.ac.bd. Fill the application form, scan the filled-in application form and other necessary documents, and then make a single PDF file that consists of supporting documents. Means अगर आपको सबसे पहले application form download करना है, उसको fill करना है, उसके बाद उसके साथ जो-जो documents आपको चाहिए जो कि हम आगे discuss करने वाले हैं इस video में, वो सारा documents आपको PDF बनाना है।

अगर आपको ईमेल के थ्रू अप्लाई करना है तो आपको इजी है नहीं हमको एप्लीकेशन के थ्रू भेजना है पेपर भेजना है करना पड़ेगा जो कि आपका डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले स्कैंड सर्टिफिकेट हाई स्कूल लिविंग एग्जामिनेशन जी सी एसई लेवल इक्वेलेंट सर्टिफिकेट्स एंड ट्रांसक्रिप्ट

Means, आप बिना नोटरी कॉपी कॉपी स्कैंड आपको चार्जेस क्या कैसा लगने वाला है उसके बारे में डिस्कस करने से पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूले

मेडिकल एक्सपेंसेस में भी अराउंड यूएसटी हंड्रेड मीन अराउंड हंड्रेड रुपीज आपको हंड्रेड डॉलर आपको फूड मेडिकल एक्सपेंसेस लॉजिंग वगैरह आपको यूएसटी हंड्रेड डॉलर पे करना पड़ेगा तो चलिए आज के लिए वीडियो इतना ही अगले वीडियो में जल्दी मिलने वाले हैं अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक दे, दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पर हो लिंक ज्वाइन होकर आप अपना क्वेरी पोस्ट और रेज कर सकते हैं थैंक यू